हाँ तो क्वेश्चन ये है कि एक मिनट। हाँ तो ए टीचर हैज ए प्रॉब्लम, ए स्टूडेंट हैज ए प्रॉब्लम, कोई कोई बच्चा है उसका कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। व्हेन ही कम्स टू ए टीचर, ठीक है, आपके पास आता है कोई बच्चा, उसका कुछ प्रॉब्लम है एंड वो आपके पास आता है, आपको आपको पूछता है व्हाट शैल आई डू। देखो यहाँ पे सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस ऐसा है कि व्हाट शैल आई डू, मतलब ये कोई कंफ्यूजन में है, ये जो बच्चा है डेफिनेटली कुछ कंफ्यूजन है उसके दिमाग में, ये सुनो मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मतलब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन है, मतलब बच्चा किस तरह से डिसीजन लेगा, ठीक है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग। ये इतना समझ पा रहे हो ना तुम लोग, मतलब बहुत लोग नहीं भी समझ पा रहे यस होंगे, लेकिन अभी जो मैं समझा रहा हूँ आपको ये समझ पा रहे हो कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुमको ये बोल रहा है कि लाइक बच्चा कुछ प्रॉब्लम में है या फिर कोई चीज के ऊपर बच्चा डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो उस केस में बच्चा टीचर के पास आता है और पूछता है कि व्हाट शैल आई डू, मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है, टेल द स्टूडेंट्स दैट, टेल द स्टूडेंट्स द कोर्स ऑफ एक्शन। आप लोग सब लोग जो भी आपने आंसर दिया है अभी कमेंट में आंसर दे दो, मतलब अभी जो मैसेज बॉक्स में आप सब लोग आंसर दो, ठीक है, सब लोग इसका आंसर दो। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपने क्या आंसर चूज किया यूट्यूब में या फिर आपका क्या आंसर है, सब लोग आंसर दे दो, ठीक है, सब लोग आंसर दो। 44 स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हो, सब लोग आंसर दो ताकि हम लोग प्रॉपरली डिस्कस कर पाए, ठीक है। ए डी सी, ओके ओके, सब लोग आंसर दे दो, मैं फिर मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन है कि टेल द स्टूडेंट्स द कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर कंसीडरिंग द स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, ठीक है, ओके। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि बच्चे का जो भी एबिलिटी और इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए, बच्चे का एबिलिटी और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो, आप जो है वहां पे उसको बताते हो कि आगे क्या करना है, ठीक है। टेल द स्टूडेंट्स द कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर कंसिडरिंग, पहले आप क्या करते हो उसका इंटरेस्ट एंड एबिलिटी को क्या करते हो, कंसिडर करते हो, ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद तुम उसका क्या करना है वो बताते हो, ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, टेल द स्टूडेंट्स व्हाट ही और सी, मतलब द टीचर वुड डू इफ ही और सी वेयर द स्टूडेंट्स प्लेस, मतलब आप अगर उस बच्चे के जगह पे होते तो क्या करते, ये सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स विच विल डेवलप द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एन इंटेलिजेंट डिसीजन, मतलब बच्चे को कुछ क्वेश्चन पूछो, ठीक है, एंड उस क्वेश्चन से उसको ये समझ में आए कि इंटेलिजेंट डिसीजन किस तरह से लिया जा सकता है, ठीक है, वो खुद जो है इंटेलिजेंट डिसीजन ले पाएगा। आस्क द स्टूडेंट्स विच विल हेल्प, आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स विच विल हेल्प विच विल डेवलप, मतलब जो बच्चे के दिमाग में बच्चे के अंदर डेवलप करेगा इन्फॉर्मेशन लेने का, लेने के लिए इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग क्वालिटी उसके अंदर डेवलप करेगा, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, टेल द स्टूडेंट्स टू फिगर आउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू फाइंड द सोल्यूशन टू टू टीचर हर प्रॉब्लम, ये तुम्हारा चार ऑप्शन है, ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन है, क्लियर। यहाँ पे देखो जो जो तुम्हारा लाइक एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कितने 59% बच्चों ने ए को टिक किया है, 13% बच्चों ने बी को, 24% बच्चों ने सी को, एंड बाकी डी को जो है 4% बच्चों ने टिक किया, आउट ऑफ 300 लगभग 300 बच्चे इसको आंसर दिए हैं, ठीक है, ये तुम्हारा सिनेरियो है। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कौन सा जो है यहाँ पे तुम्हारा सही जवाब होगा, ठीक है। अब देखो तुम लोग बताओ कि हमको यहाँ पे जैसे कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं एक चीज को लेके, कौन सा, कीवर्ड इंटरेस्ट, इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पे दिया, थिंक वेल एंड आंसर इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट को देखे, जैसे 59% बच्चे फॉर एग्जाम्पल, लगभग 60% बच्चों ने इसको आंसर इसीलिए दिया, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन, ये एक्चुअली यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, ठीक है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन, लेकिन आरआई के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल क्वेश्चन है, आरआई में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, धीरे धीरे करके आरआई वाले अपना लेवल बढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन इंप्रूव हो सकता है, जैसे पहले रीजनिंग में बढ़ाया, थोड़ा इंग्लिश में इस बार बढ़ाया, टीचिंग एप्टीट्यूड में इस बार हमको क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का देखने के लिए मिला, तो हर साल जो है बढ़ा सकते हैं। तो 60% बच्चों ने इसका आंसर इसलिए लिया, इसीलिए दिया क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट एज ए कीवर्ड समझा, ठीक है। टेल द स्टूडेंट द कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब बच्चे का एबिलिटी एंड इंटरेस्ट को देख के ही उसका जो है क्या करना चाहिए वो बताओ, एक तरह से ये क्या हो जाएगा पता है, मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था कि बच्चों को हमेशा जो है और बेहतर बनाने के लिए काम करना है, मतलब हमेशा उसका बेस्ट पोटेंशियल ये करना है, पढ़े थे ना, उसका बेस्ट पोटेंशियल, रियलाइज द बेस्ट पोटेंशियल, बच्चे के अंदर जो बेस्ट पोटेंशियल है उसको निकालने के लिए, निखारने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, तो उसका एबिलिटी के हिसाब से अगर हम लोग उसको कोर्स ऑफ एक्शन बोलेंगे तो उसका बेस्ट पोटेंशियल हमको कभी पता ही नहीं चलेगा,
ठीक है, बेस्ट पोटेंशियल पता नहीं चला। जैसे क्रिकेटर फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं ना, जब फॉर एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी को नीचे फिफ्थ और सिक्स्थ प्लेस पे बुलाया जाता था तो उसको बॉल्स कम मिलते थे खेलने के लिए, तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता था। जब उसको थर्ड प्लेस पे बुलाया गया तो उसने सेंचुरी मार दी। ठीक, इस तरह से और भी जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जब उसको थोड़ा मौका दिया गया तो वो जो नहीं कर पाते थे वो किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एमएस धोनी का मूवी देखा है? देखा है एमएस धोनी का यस मूवी? यस सर, हाँ, देखिए एमएस सर, धोनी का मूवी में फिर सब। एक्चुअली वो गोलकीपर रहता है ना पहले से, हाँ बचपन सर, में हाँ उसके सर, स्कूल बचपन। में गोलकीपिंग करता था। फिर उसके बाद उसका जो कोच ने उसको देखा, बोला कि तू क्रिकेट खेलेगा विकेट कीपिंग करेगा। ठीक है, उसको तो विकेट कीपर के हिसाब से बुलाया गया था ना, ये सुन लो। गोलकीपर था, उसको विकेट कीपर बनाया गया, ये सुन लो। यस यस, टीम में उसको इसीलिए लाया गया क्योंकि विकेट कीपर नहीं था, लेकिन जब उसको मौका दिया गया बेस्ट जो तुम्हारा बैट्समैन बनने के लिए, तो वो बहुत अच्छा बैट्समैन बन पाया। ये सुन लो, क्लियर समझ रहे हो ना? तो यस इसको तुम अगर लाइक उसका एबिलिटी, विकेट कीपिंग वाला एबिलिटी को सोच के अगर तुम उसको काम दोगे तो हम उसके अंदर बेस्ट नहीं निकाल सकते, समझ रहे हो? तो वो तभी जो है बैट्समैन बन पाया जब उसको अपॉर्चुनिटी दिया गया। तो पहला ऑप्शन इसीलिए गलत है क्योंकि बेस्ट पोटेंशियल अगर हमको जानना है तो उसका प्रेजेंट एबिलिटी एंड प्रेजेंट इंटरेस्ट के हिसाब से उसको गोलकीपिंग करना पसंद था, ठीक है, लेकिन उसको मौका दिया गया, अपॉर्चुनिटी दिया गया, तो वो खुद जो है बहुत अच्छा बैट्समैन बन पाया। अपने अपने हिसाब से उसने जो है बैट्समैन बनने का चूज किया, ठीक है, विकेट कीपिंग को कम इंपॉर्टेंस देके, मतलब विकेट कीपिंग इंपॉर्टेंस दिया लेकिन बैट्समैन के लिए भी वो सोचा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, टेल द स्टूडेंट्स व्हाट ही और सी द टीचर वुड डू इफ ही और सी इन द स्टूडेंट्स प्लेस। देखो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि आपका जो लेवल है और बच्चों का जो लेवल है ना वो अलग है, तो आप उसके जगह पे रख के 100% आंसर मतलब उसको नहीं बोल सकते कि मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं क्या करता। ये क्या हो जाएगा, एक तरह से आप अपना जो व्यू पॉइंट है वो उसको लेने के लिए मजबूर कर दिया बच्चों को कि तुम यही डिसीजन लो, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन बोल रहे क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है कि आस्क स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स व्हिच विल डेवलप इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एन इंटेलिजेंट डिसीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आंसर सही है, मैं क्यों सही है मैं बताऊंगा। फोर्थ ऑप्शन देखो, टेल द स्टूडेंट्स टू फिगर आउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। मतलब देखो आप बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हो, उसको बोलते तुम खुद से तुम आंसर ढूंढो, तो यह भी फैसिलिटेशन का नहीं है। मतलब हम क्या करते हैं, टीचर एज ए फैसिलिटेटर बोलते हैं ना, टीचर का काम इस तरह का चीजों में फैसिलिटेट करना होता है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेशन टेक्निक से आप जो है इस ऑप्शन को सी जो है डेफिनेटली टिक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्यों सही होना चाहिए। आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स व्हिच विल डेवलप द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इंटेलिजेंट डिसीजन। आप क्या करोगे, एक एक करके क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा तुम्हारा ये प्रॉब्लम है कि क्या डिसीजन लेना है पूछना है, अच्छा चलो बताओ कि तुम यहाँ पे क्या बेहतर कर सकते हो। बच्चे बोलेगा नहीं मैं शायद विकेट कीपिंग कर सकता हूँ। तुम बैटिंग के बारे में क्या सोचते हो, बैटिंग कर पाओगे? नहीं बोले, बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ, बैटिंग कैसे करूंगा। ठीक है, वो लोग कि नहीं तुम प्रैक्टिस करोगे तो बैटिंग कर सकते हो। बोले हाँ सर मैं प्रैक्टिस करने से शायद बैटिंग भी कर सकता हूँ, या गोल कीपिंग के बजाय मैं विकेट कीपिंग कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे करके क्या है, क्वेश्चन पूछ के ना उसके माइंड में, ठीक है, उसके माइंड में जो है हम चीजों को जो है लाइक सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में चीजें लाते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए उसको, जिस चीज के लिए वो आपके पास आया वो खुद उसके दिमाग में ही आएगा एंड वो इंटेलिजेंट डिसीजन ले पाएगा आगे, जब खुद वो खुद रियलाइज करेगा। यहाँ पे क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन होगा बच्चे का। यहाँ पे एक्चुअल तुमने क्या किया, फैसिलिटेटर वाला रोल को निभाया, जहाँ पे बच्चे ने खुद डिसीजन लिया। ठीक है, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ये तुम्हारा यहाँ पे कीवर्ड है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को दिया एज ए लाइक मैंने पूछा लाइक थिंक वेल एन आंसर, क्योंकि बहुत सारे देख के एक आंसर दे दिया, 59-60% बच्चों ने इसको आंसर दिया क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट को कीवर्ड के हिसाब से देखा, लेकिन यहाँ पे दूसरा कीवर्ड छुपा हुआ है, दैट इज एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये सुन यस लो समझे। तो ये तुम्हारा इसका आंसर ये होगा जो कि किसने आंसर दिया था, हाँ आकांक्षा, शुभश्री, यश, कमलिका, प्रिया, उदय, ठीक है, सौम्या सोहानी सबसे पहले आंसर दिया था, सूर्यदीप्ति साहू, तो इनका आंसर करेक्ट है। देखो आप लोग जो भी लाइक गलत आंसर दे ऐसा मत सोचो कि आपसे गलती हो गया, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इसीलिए दिया था कि आप थोड़ा ज्यादा सोचो एंड सोच के आंसर बताओ, ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझे आप लोग क्यों होगा, समझ पाए कि आपको कुछ अगर अपने तरफ से कुछ पॉइंट रखना है, नहीं सर ये होना चाहिए, तो भी बता सकते हो, या आप सेटिस्फाइड हो इस आंसर से?
ये सुन लो जी सर। यस सर, सैटिस्फाइड। सो